वृंदावन में एक महात्मा थे, तो वे राम कृष्ण के चरित्र का विभाग बताने के लिए एक कथा सुनाते थे। राम श्रुति सेतु बालक है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, तो वैसे राम भी लीला पुरुषोत्तम है अपने स्थान पर, और श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उनके नित्य कर्म का जो वर्णन आता है, रोज ब्रह्म ध्यान करना और संध्या वंदन करना, अग्निहोत्र करना, ये तो मर्यादा का ही पालन है। ये तो रसिया गाने वालों ने तरह तरह का उनके साथ जोड़ दिया है अपना अपना मनोभाव, भगवान तो भगवान ही है। तो ये अब एक वेदांत की बात सुनाते हैं, और ये कच्चे वेदांतियों को मालूम नहीं है, पक्के वेदांतियों को मालूम है। ये जो लोग विचार चंद्रोदय आदि छोटे मोटे ग्रंथ पढ़ के और ये व्याख्यान सुन के, कहानी सुन के, किस्से सुन के, गजल से सुन के जो वेदांति बन जाते हैं, उनकी समझ में जाते हैं। घड़ा फूट जाता है तब मिट्टी होता है कि घड़ा घड़ा रहते हुए भी मिट्टी होता है, आप देखो ख्याल करो। तो परब्रह्म परमात्मा जो है वो निखिल सृष्टि का अभिन्न निमित्तों का आदान कारण है, इसलिए प्रपंच ज्यों का त्यों बना रहता है और तत्वज्ञ के लिए वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बच्चा घड़े को पहचानता है और जानकार माटी को पहचानता है। घड़ा तोड़ने के बाद वो माटी होता हो या जेवर तोड़ने के बाद वो माटी होता हो, ऐसा नहीं है। और एक बार वो पार्टी बन गई एक आश्रम में, आपस में शास्त्रार्थ होने लगा, तो मेरे पास आए कि महाराज घड़ा फूटेगा तब माटी होगा कि घड़ा घड़ा रहते भी माटी है। तो ये संसार नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर ब्रह्म होता है या महाप्रलय में ब्रह्म होता है, ये अज्ञानी की बात है, कच्चे वेदांती की बात है। पक्के वेदांत में ये ज्यों का त्यों, चाहे जितनी आकृति दिखें और जितने नाम रहें, तत्वज्ञ की दृष्टि में ये सब ब्रह्म स्वरूप ही होता है। तो अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो असल में आकृतियां भी नित्य होती हैं, सूरज की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, वायु की, ये नित्य होती हैं। वेदांती लोग इनके लिए प्रवाही नित्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तूटस्थ नित्य का प्रयोग नहीं करते हैं।
ये वेदांत थी। वेदांत दो तरह का नित्य मानता है, एक कूटस्थ नित्य और एक प्रवाह नित्य। तो ये आकृतियां प्रवाह नित्य होती हैं, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता जा रहा है, वही दो आंख, वही दो कान, वही दो नाक, इसको प्रवाह नित्य बोलते हैं। तो ये जो गोलोक है, साकेत लोक है, इनकी भी आकृतियां नित्य हैं। गोलोक भी नित्य होता है, साकेत लोक भी नित्य होता है, कैलाश लोक भी नित्य होता है, वैकुंठ लोक भी नित्य होता है। उसमें अंतर क्या है कि अद्वैत वेदांती जैसा तटस्थ नित्य मानते हैं, वैसा उसको भक्त लोग भी नहीं मानते हैं। भक्त लोग भी उसको नव नवायमान नित्य नूतन मानते हैं, नई नई चमक, नई नई दमक, नई नई झलक, नई नई कलक बनती रहती है वो। हाँ, तो वो कहीं नित्य ग्रीष्म है तो कहीं नित्य शीत हेमंत है, तो कहीं नित्य बसंत है, तो कहीं नित्य शरद है, तो कहीं नित्य बाल लीला है, तो कहीं नित्य रात लीला है, तो कहीं नित्य सत्य लीला है। उसको वो नित्य ही मानते हैं। तो अब एक दिन की बात है, साकेत लोक में कौशल्या जी की इच्छा हुई कि चलें गोलोक में जसोदा मैया से मिले आने, और गोलोक में जसोदा मैया के मन में इच्छा हुई कि साकेत में चलें कौशल्या मैया से मिले आने। दोनों ने दासियों के साथ अपने अपने लाला को संभाला और चल पड़े। तो रास्ते में ही दोनों की भेंट हो गई। अब वो तो दिव्य लोक, बड़ा सुंदर दृश्य, वहाँ का पर्वत, वहाँ की हरियाली, वहाँ का सरोवर, वहाँ की नदी, बड़ा उत्तम उद्यान था। दोनों जब भेंट हो गई तो वहीं बैठ गई और दोनों में परस्पर बातचीत होने लगी। कौशल्या जी अपने पुत्र की बात सुनावें, जसोदा मैया अपने पुत्र की बात सुनावें, और दोनों पुत्र जो हैं सांवरे सांवरे, ज्यादा श्री कृष्ण भगवान जरा ज्यादा सांवरे हैं और श्री रामचंद्र कुछ हल्के सांवरे हैं। और दोनों देखने में एक सरीखे ही हैं, दोनों मिल गए आपस में खेलने लगे, और माताएं तो बस अपने पुत्रों की चर्चा में तन्मय हो गईं, डूब गईं, मशगूल हो गईं, अंधेरा हो गया। वहां भी सूर्योदय सूर्यास्त होता है। कौरे दशरथ जी के संध्या वंदन का समय हो गया, भोजन का करे उधर नंद बाबा के संध्या वंदन का भोजन का समय हो गया। ये दोनों संध्या वंदन करते जल्दी जल्दी जो अपने बच्चों को लिया, तो कृष्ण को राम समझ करके कौशल्या मैया और राम को कृष्ण समझ करके यशोदा मैया ने गोद में ले लिया। और दोनों ढीठ महाराज, कौन पराई माँ है कौन अपनी माँ है, दोनों पहचानते नहीं, भोले भाले। लेकिन जब घर गए तो उधर दशरथ जी भी संध्या वंदन करके और भोजन करने के लिए पवित्र स्थान लिपा पताल खान, आप जानते हैं गाय के गोबर से जो स्थान लीप दिया जाता है, उस पर ये आणविक शक्ति प्रभाव नहीं करती है। ये आजकल का जो अणुबम प्रक्षेपणास्त्र है ना, गाय के गोबर से लिपे पुते स्थान पर प्रभाव नहीं करता है, और गाय का दूध पीने वाले मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव कम पड़ता है। तो वहाँ तो गाय के गोबर से लिपा हुआ लकड़ी का पाटा और जल रखा हुआ, उधर नंद बाबा भी भगवान को भोग लगाकर भोजन करने के लिए तैयार होता है दशरथ जी को। तो दशरथ जी ने बुलाया कि आओ बेटा राम, तुम भी बैठ जाओ। अब अंधेरा महाराज तो उन्होंने हाथ धोया न पांव धोया, कुछ नहीं, ज्यों के त्यों, उनको तो कोई संस्कार ही नहीं। आजकल तो हम देखते हैं बड़े लोगों के घर में जूते का ऐसा प्रवेश हो गया है कि रसोई घर में भी जाता है, खाने के समय में भी जाता है। बल्कि यहाँ जसलोक में एक दिन मथुरादास जी ले गए थे,
डॉक्टर, बड़ा भारी अस्पताल बना है ना यहाँ, कई करोड़ रुपए लगा कर, तो वहाँ हमको बताया कि डॉक्टर भी इसमें अपना जूता जो बाहर से पहन के आवेगा वो पहन के नहीं जा सकता इस कमरे में, ऐसा बताया, उसको बाहर निकालना पड़ेगा जूता, क्योंकि सड़क पर तो न जाने क्या क्या उसमें लगा होगा और रोगी के शरीर में चला जाए, और यहाँ तो खाने पीने में भी जूता जाने लगा हमारा। तो अब वो श्री कृष्ण भगवान ने न हाथ धोया न पांव धोया, वैसे ही पांव वैसे ही हाथ, और बिना नहाए धोए कपड़ा बदले और जाके दशरथ जी की गोद में बैठ गए और थाली में से उठा के खाने लगे और उनके मुंह में डालने लगे, अपने मुंह में डालने लगे। तो दशरथ जी ने कहा कि भाई एक ही दिन में राम का स्वभाव ऐसा कैसे बदल गया। और उधर श्री रामचंद्र भगवान जब गए, नंद बाबा बैठे थे भोजन करने, तो बुलाया उन्होंने कि आओ भोजन करो, तो उन्होंने पहले हाथ पांव धोया, फिर खड़े होके हाथ जोड़ के देखने लगे कि कैसे एक थाली में कैसे खाएं है? वो बोले कि नहीं, हमारे लिए तो अलग पाटा लगाओ, हम अलग थाली में लेंगे, अलग भोजन करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा देखो राम की संगति का ऐसा असर पड़ा कि एक दिन में ही हमारा बेटा इतना धर्मात्मा हो गया। फिर अब वो तो रामचंद्र भगवान तो जब भोजन आया तो भोग लगाया भगवान को, हाथ जोड़ा, प्रेम से खाया पिया, और उधर नंद नंदन जो है वो दशरथ जी का मूंछ खींचने लगे, उनके नाक में अंगूरी डालने लगे, खाते खाते इधर उधर दौड़े आवे, नाच आवे। तब दशरथ जी ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, जरा गौर से तो देखो। तो कौशल्या मैया ने देखा, उधर यशोदा मैया ने देखा, बोले कि भाई काम बिगड़ गया, बदल गया, ये दोनों बदल गए हैं। तो ये देखो, आप इस कथा को ये मत ढूंढो कि किस शास्त्र में किस पुराण में लिखी हुई है, ये जो कथा होती है ये कोई न कोई अभिप्राय समझाने के लिए होती है। कथा शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में वेद में वैसे कथा माने तो कहानी होता है, कथन होता है, कथनम कथा, कथा माने कहानी, पर वेद में कथा शब्द जो बनता है वो कथम से बनता है। ये जैसे तथा, यथा, सर्वथा, जैसे ये शब्द बनते हैं, ऐसे ये खल प्रत्यय जो है ये कथम के अर्थ में वेद में होता है, और ऋग्वेद में तो 20 बार इसका प्रयोग है। तो कथा माने होता है क्यों, कथा माने संस्कृत में होता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो अभी जो राम के स्वभाव का, कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया, तो ये आप ढूंढने मत जाएं कि वो कौन सी तारीख थी जिस दिन दोनों की अदला बदली हो गई थी, और कौन सा दिन था और कौन सा स्थान था, ये तो थीसिस लिखने वालों पर छोड़ दो, वो कुछ न कुछ उल्टा पलटा निकाल लेंगे। जो चीज अब तक न कही गई हो वो जो कह दे उसकी थीसिस सबसे बढ़िया। तो न उनको इतिहास की पद्धति मालूम, न पुराण की पद्धति मालूम, न वेद शास्त्र की पद्धति मालूम, न उनको तात्पर्य वृत्ति मालूम, न लक्षणा मालूम, न गौणी मालूम, शास्त्र में किस ढंग से क्या बात बोली जाती है ये तो उनको पता नहीं। आजकल के ढंग से पुराने जमाने की पुस्तक निकाल के उसमें से कुछ न कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। पुराने जमाने की पुस्तक पुराने जमाने के ढंग से जब पढ़ी जाएगी जब समझ में आवेगी, आज के ढंग से पढ़ने तो समझ में आवेगी नहीं। तो हुआ क्या, अरे ये क्या, तो ये कथा जो है ये राम और कृष्ण के स्वभाव में जो भेद है, एक अहीर के बालक में और एक धर्मात्मा राजा के बालक में रहनी में क्या अंतर होता है, और लीला पुरुषोत्तम में और मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वभाव में, चरित्र में, रहनी में क्या अंतर होता है, ये बताने के लिए कथा है। इससे
ये समझना चाहिए कि कृष्ण जो है वो कितने नटखट हैं और भगवान रामचंद्र कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बाल्यावस्था से ही ये प्रकट हो जाता है। अब इसमें कहो श्रेष्ठ कौन है, तो ये झगड़ा बिल्कुल खड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि प्रेम की लीला में नटखटपना ज्यादा चलता है, प्रेम में कुछ अशुद्ध होता ही नहीं, प्रेम में सब शुद्ध ही होता है। एक प्रेम पत्तनम नाम की पुस्तक है संस्कृत भाषा में, प्रेम पत्तनम उसका नाम है। तो वहाँ प्रेम नगर के संविधान क्या कानून होते हैं प्रेम नगर में, तो वो लोक से बिल्कुल विलक्षण ही होते हैं। वहाँ अपने प्रियतम से छकाने के लिए, हंसाने के लिए, उसको थोड़ा परेशान करने के लिए झूठ भी चलता है। वहाँ झूठा बोलना भी चलता है और झूठा खाना भी चलता है। वहाँ थोड़ा धर्म अधर्म का विचार भी शिथिल हो जाता है। तो प्रेम नगर के कानून दूसरे होते हैं और धर्म नगर के कानून दूसरे होते हैं। तो ये कानून का फर्क बताने के लिए ये लीला है। अब आपको देखो एक लीला सुनाते हैं। जब सेतु पुल बन रहा था समुद्र पर, ये पुल बनाना राम का ही काम है, जिससे चेतन जीव जो लंका में फंसा हुआ है वो भगवान के पास आ जाए। इसके लिए वो जीव उपाय नहीं करता है, स्वयं भगवान ही उपाय करते हैं। यही अनुग्रह धर्म का, शरणागति धर्म का, प्रपत्ति धर्म का यही विशेष है कि स्वयं भगवान ही उपाय करते हैं। उपाय भी वही हैं और उपेय भी वही हैं। तो इसके लिए पुल बना रहे थे कि लंका प्रवृत्ति के गढ़ में छिपे हुए और घिरे हुए बेचारे जो चेतन हैं, जीव हैं, उनसे वे आकर हमसे मिले कि न मिले, हम उनसे जाके मिले, इसके लिए पुल बनाने का काम स्वयं भगवान ही करते हैं। उन्हीं के ऊपर ये सारा ऐसा पुल बन रहा था। हनुमान जी ये हिमालय का एक शिखर जिसका नाम था गोवर्धन, वो वहां से उठा के सेतु में लगाने के लिए लिए जा रहे थे। सो इतने में घोषणा हो गई कि सेतु तैयार हो गया, पुल तैयार हो गया, अब पर्वत लाने की जरूरत नहीं है। तो गोवर्धन जी वैसे तो ब्रज में नित्य गोवर्धन है और उसके साथ ही सखा भी जुड़ी हुई है, जमुना नित्य है, गिरिराज नित्य है, वृंदावन नित्य है, ये तो सब नित्य लीला है। वहां तो अनित्य का कोई काम ही नहीं है। हनुमान जी ला रहे थे, घोषणा आ गई कि अब पर्वत लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी रखने लग गए गिरिराज को वहीं। तो गिरिराज बोले कि हमको राम के काम के लिए तुम ले जा रहे थे और यहाँ बीच रास्ते में हमको छोड़ देना, ये कौन सा न्याय है महाराज कि गुरुदेव के हाथों में पड़ जाएं और स्वयं अपने हाथ से उठावें और भगवान की सेवा में उनके कंकर्ज में न लगावें, बीच ही में छोड़ दें, ये कौन सा न्याय है? तो आप हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो, हम तो यहाँ नहीं उतरेंगे। तो हनुमान जी लेके गिरिराज को खड़े हो गए और फिर संदेश भेजा कि भगवान राम के पास कि गिरिराज के साथ क्या बर्ताव करें। तो श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि अभी तो तुम गिरिराज को, गोवर्धन को वहीं स्थापित कर दो ब्रज में, तो अभी तो तुम उठाए हुए हो और मेरे पास ला रहे हो। एक दिन ऐसा आवेगा कि मैं ही स्वयं आऊंगा और अपने हाथ पर उठाऊंगा, अपने हाथ पर उठाऊंगा, मैं उठा के उद्धार करूंगा, गोवर्धन का उद्धार मैं करूंगा और अपने कंकर्ज में मैं स्वयं लूंगा, उनके झरने में स्नान करूंगा, उनके जो फूल होंगे उनसे श्रृंगार करूंगा, उनके पेड़ का फल खाऊंगा, उनकी गुफा में छिपूंगा और
जिसको तुमने स्वीकार कर लिया उसको तो हम स्वीकार करेंगे ही करेंगे। एक बार आचार्य ने जिसको, गुरु ने जिसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं, बाध्य होते हैं। ये तो अब इसमें देखो क्या बात निकली। अब ये कथा कब हुई इसका इतिहास ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे बढ़िया बात ये कही गई है कि राम और कृष्ण दोनों दो नहीं हैं, बिल्कुल एक हैं। इसमें ये बात कही गई है। और ये बात कही गई है कि एक बार गुरुदेव जिसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। असल में इसी का नाम पुराण है। इतिहास में और पुराण में क्या अंतर होता है इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए खुचर निकालते रहते हैं पुराणों की कथा में। हमको, हम श्रीमद् भागवत पढ़ते थे पंडित भूप नारायण जी से काशी में, तो एक दिन स्वामी जोगानंद जी के पास गए, तो जोगानंद जी ने कहा कि अच्छा जिस पंडित से तुम पढ़ते हो उससे जाके पूछना कि इतिहास और पुराण में क्या अंतर होता है। तो मैंने जाके पूछा कि हमारे स्वामी जी महाराज स्वामी योगानंद जी हैं, मैंने गृहस्थ आश्रम में, जब गृहस्थ था 17 बरस 18 बरस का था, तब मैंने स्वामी जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी और श्री कृष्ण मंत्र का जप करता था। पहले उन्होंने 24 लाख गायत्री का जप करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का वेदवती दीक्षा होती है, वेदवती दीक्षा सिर पर हाथ रख के 108 बार उन्होंने स्वयं मंत्र का जप किया और भगवान की पूजा की। उन्हीं को सब कुछ करना पड़ा, हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा, है ना, सब कुछ उनको करना पड़ा। तो वेदवती दीक्षा दी थी उन्होंने, तो मैंने पूछा कि हमारे स्वामी जी ने ये प्रश्न किया, तो पंडित जी ने बताया, पंडित जी तो बड़े भारी निपुण थे, उनको तो टीका टिप्पणी सहित सारा श्रीमद् भागवत कंठस्थ था, टीका टिप्पणी सहित जो कुछ कहो सो सब ऐसे ही पढ़ाते थे। 94 बरस की उम्र में उनका शरीर पूरा हुआ, बड़े ही विलक्षण थे। तो उन्होंने बताया कि इतिहास जो है वो बाह्य घटना प्रधान होता है, बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उसमें लिखा रहता है। और पुराण जो है वो आंतर आशय प्रधान होते हैं। पुराण की कथा में एक भीतर उसके आशय होता है, उस आशय को प्रकट करने के लिए पुराण लिखे जाते हैं। इतिहास माने इति ह आस, यह घटना ऐसी घटित हुई थी। और पुराण माने पुराणी अनिति उज्जीवयति, जो हमारे अंतःकरण को जगा देता है, अंतःकरण में एक आशय की स्थापना करता है, उसका नाम पुराण होता है। तो ये जो राम कथा है, कृष्ण कथा है, आप ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अनुसंधान कीजिए और भौगोलिक दृष्टि से कौन सा स्थान कहाँ चीरहरण किया था और कहाँ काली दमन किया था और कहाँ रासलीला की थी, आप भौगोलिक दृष्टि से उसका अनुसंधान कीजिए और माटी दे लेके परीक्षा कीजिए, ये 5000 बरस पहले का है कि नहीं है, ये 5 करोड़ बरस पहले का है कि नहीं है, तो ये अनुसंधान आप भले करते रहो, लेकिन ये जो कथा हमारे अंतःकरण को जगाने वाली है, इतिहास छूट जाएगा, इतिहास भूल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, इतिहास में फेर फार हो जाएगा। अभी आप इतिहास की बात करते हैं, किसी से गांधी जी का इतिहास लिखवाओ ना, विनोबा भावे से एक इतिहास लिखवा दो, अब चर्चिल तो मर गया, नहीं तो उससे भी एक लिखवा देते हैं, अपने कर्तास्त्री जी महाराज से एक गांधी जी का चरित्र लिखवा दो। इनने गांधी जी को देखा था, पर विनोबा जी दूसरा लिखेंगे, धर्माधिकारी दूसरा लिखेंगे, घनश्याम मसरू वाला दूसरा लिखेगा, और तो इतिहास जो है वो तो प्रत्येक व्यक्ति
अपनी दृष्टि उसमें जोड़कर अपनी ओर से कल्पना करके ये अच्छा है कि बुरा है लिखता है। और ये पुराण जो होते हैं ये व्यक्तिगत सत्य नहीं होते हैं, ये शाश्वत सत्य होते हैं। ये अध्यात्म से, अधिदैव से, शाश्वत सत्य से मिला करके तब लिखे जाते हैं। अब देखो आपको छोटी सी एक कथा सुनाते हैं। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, उनका नाम सीताराम बाबा था। सीताराम बाबा तबला भी बजाते थे और वो चिमटा अपना बजा के नाचते थे और कीर्तन करते थे। हमारे सामने की बात है, रसनारे नैना बाके ये मुनि संग बालक काके खूब गाते थे। तो बड़े राम भक्त थे और अच्छे साधु थे। तो एक दिन उन्होंने कथा सुनाई। वो बोले कि जब मैं पहले पहले वृंदावन में आया तो हमको गाना बजाना तो आता ही था, तबला तो बजाते ही थे। तो यहाँ रास मंडली में जो मिल गया तो समाजियों के साथ बैठ के तबला बजाने लगा और राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला देखते देखते मन हमारा बिल्कुल इधर खींच गया। वो धनुष बाण से मन हट गया और बांसुरी वाले पर मन खींच गया। गायंतम ही स्त्रिय कामयंत है, गाने वाले की ओर स्त्री मनोवृत्ति, ललित मनोवृत्ति जो है वो ज्यादा आकृष्ट होती है। ये श्रुति वल्लभाचार्य जी ने ये श्रुति उद्धृत की है। गायंतम ही स्त्रिय कामयंते, गाने वाले पुरुष की ओर स्त्री का मन अधिक आकृष्ट होता है। तो उनका भी मन स्त्री का मन, वो शरीर देखने से अलग होता है। तो जब आकृष्ट हो गया तो लग गए 2-3 बरस बस रास में लगे रहे। तो एक दिन वो बताते थे कि एक दिन क्या हुआ कि हमको आया सपना, और सपना आया तो हमको एक बंदर आके उसने कहा कि चलो भगवान रामचंद्र तुमको याद कर रहे हैं, दरबार में चलो। अब तो महाराज मैं दरबार में गया, तो भगवान रामचंद्र ने पूछा कि क्यों रे, तू तो मेरा भक्त था, मेरा दास था, हैं? ये चरवाहे के चक्कर में कैसे आ गया, तो मैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर हिम्मत बांध के बोला कि महाराज किसी का सेवक हो, किसी की पत्नी हो, सहेली हो, और उसको कोई अहीर कोई गुंडा हरण करके ले जाए, तो मालिक का क्या कर्तव्य होता है? मालिक का ही कर्तव्य होता है ना कि उसको दूसरे के हाथ से छुड़ा ले। तो आपने महाराज छुड़ाया क्यों नहीं? हम तो आए थे यहाँ ब्रज में विचरण करने के लिए, तो छुड़ाया आपने क्यों नहीं? अब तो महाराज भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि बुलाओ कृष्ण को। अब कृष्ण जो है वो कमली, काली कमली कंधे पर रखे और हाथ में लठिया लिए जैसे चरवाहे का रूप होता है आए और जोहार किया रामचंद्र भगवान को। जोहार किया, अन्नदाता घनी खमा। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि हम तुमसे खुश होके 84 कोस की चक्रवर्ती है ना, रामचंद्र तो चक्रवर्ती सम्राट हैं और 84 कोस का ब्रज है, तो 84 कोस की जागीर तुमको दे दी कि यहाँ गाय चराओ, दूध पियो, दंड करो, बैठक करो, मस्त करो, मस्त रहो, हंसो हंसो खेलो। अब तुम हमारे आदमी को तुम अपहरण कर लेते हो तो ये तो बहुत बुरा है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर सीताराम बाबा बताते थे कि हमारा गला पकड़ा और ले जाके भगवान रामचंद्र के चरणों में डाल दिया और फिर वो राम भक्त हो गए। तो आप लोग और कथा सुनो तो बढ़िया बढ़िया वाल्मीकि रामायण। हमको तो उन्होंने अपना सपना सुनाया था, वो आपको सुनाया।